देशभक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से सामने आ रही है, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने जो है छापेमारी की है। गोहाना में जो है खासा स्कूल के पास बने पटवार खाने में जो है सीएम फ्लाइंग ने सुबह सुबह जो है रेड की है, और जहां पर यहां पर नौ पटवारी की जो है ड्यूटी है, जिसमें से छः जो पटवारी है वो नदारद मिलते हैं। देख सकते हैं जहाँ पर सीएम फ्लाइंग की टीम के द्वारा ये छापेमारी की गई है, और जहाँ पर ताले लटके हुए जो दरवाजे हैं उन पर ताले लटके हुए मिलते हैं। उसके बाद जो है सीएम फ्लाइंग की टीम ने जो है यहाँ पर छापेमारी की है, और छापेमारी में जो है छः कर्मचारी जो हैं, जो छः पटवारी हैं, वो नदारद मिलते हैं। उसके बाद जो है अब अन्य कागजात भी खंगालने का काम जो है सीएम फ्लाइंग के टीम के द्वारा किया जा रही है। देख सकते हैं सुबह जो है ये टीम जो है गोहाना के खासा स्कूल के पास बने सरकारी जो पटवार खाना है वहाँ पर रेड की जाती है। और बता दें ये जो टीम है करनाल और सोनीपत सीएम फ्लाइंग की जो टीम है, ज्वाइंट टीम जो है यहाँ पहुँची है, और बताया गया है कि शिकायत पर कि पटवारी जो है समय पर काम नहीं कर रहे हैं और समय पर ऑफिस नहीं पहुंचते हैं, उसको लेकर जो है ये ज्वाइंट टीम जो है सोनीपत और करनाल सीएम फ्लाइंग की जो टीम है वो यहाँ पहुंची है। और कहा गया है कि शिकायत पर ये छापेमारी की गई है, जहाँ पर जो शिकायत दी गई थी उस पर जो है यहाँ पर जो छापेमारी की गई, और छापेमारी में जो सवाल उठाए गए थे कि समय पर जो पटवारी नहीं पहुँचते वो भी यहाँ पर नहीं मिलते हैं। अब जो है सीएम फ्लाइंग की टीम जो है अन्य कागजात भी खंगालती हुई सामने नज़र आ रही है, और बता दें कि लगातार जो है सीएम फ्लाइंग की जो टीमें हैं इस तरह की कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही हैं। देख भी सकते हैं जहाँ पर सीएम फ्लाइंग जो गोहाना पहुँची है, गोहाना के खासा स्कूल के पास बने पटवार खाने में जो है सुबह सुबह सीएम फ्लाइंग सोनीपत और करनाल की टीम ने यहाँ पर छापेमारी की है। छापेमारी में जो है छः जो पटवारी हैं वो ड्यूटी पर नहीं मिलते हैं, उन पर कार्रवाई देखते हैं कि सीएम फ्लाइंग की टीम जो है किस तरह की कार्रवाई करती है। लेकिन जो तहसीलदार हैं उनका कहना है, तहसीलदार जो नायब तहसीलदार है प्रमोद कुमार, वो मौके पर उनको बुलाया गया है, और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो पटवारी हैं वो गिरदावरी के लिए गाँव गए हैं, और लेकिन जो है यहाँ पर ड्यूटी पर वो नहीं मिले हैं। उसी के लिए जो है लोगों ने शिकायत की थी सीएम फ्लाइंग सीएम को, तो सीएम की जो टीम आई है, सीएम फ्लाइंग की जो टीम आई है उसने यहाँ पर रेड की है, और रेड के बाद जो है अब कागजी कार्रवाई जो है सामने करते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम जो सामने नज़र आ रही है। देख सकते हैं जहाँ पर कार्रवाई जो जमाबंदी है, इंतकाल हैं, वो चेक करते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम जो है सामने नज़र आ रही है। और आपसे अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति तक ये खबर पहुँचे कि गोहाना के खासा स्कूल के पास बने सरकारी पटवार खाने पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने जो है ये छापेमारी की है। चार से पांच लोग जिस टीम में बताए गए हैं, देख सकते हैं जहां पर सीएम फ्लाइंग की जो टीम है वो मौके पर है। कागजात जो है अन्य कागजात भी यहां पर चेक किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है जिस तरह की जो शिकायत मिल रही थी, शिकायत के बाद ही जो है इस पर एक्शन लिया जाता है, और एक्शन जो है ये होता है कि सुबह सुबह जो है सीएम फ्लाइंग की टीम जो है यहाँ मौके पर पहुँचती है, और 10 बजे तक जो है कोई भी कर्मचारी जो जिनकी ड्यूटी है वो नहीं पहुंचते हैं। सिर्फ 3 पटवारी जो है मौके पर उपस्थित मिलते हैं, 6 जो पटवारी हैं वो यहाँ से नदारद मिलते हैं, उन वह जो है यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं अभी तक। 10 बजे तक की बात करें तो सभी देख सकते हैं जहाँ पर जो है अन्य कागजात जो है सीएम फ्लाइंग की टीम जो है चेक करती हुई सामने नज़र आ रही है। हम आप सभी से अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति तक ये तस्वीरें पहुँचे कि गोहाना में सीएम फ्लाइंग की टीम ने जो है छापेमारी की है, और जहां पर 6 जो पटवारी हैं वो ड्यूटी पर नहीं मिलते हैं, वो नदारद मिलते हैं। अब जो है देखना ये है कि सीएम फ्लाइंग की टीम जो है उन पर क्या एक्शन ली जाती है। देख सकते हैं जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम जो है कागजात जो है रजिस्टर है वो खंगालने का काम किया जा रहा है। देख सकते हैं जहाँ पर जो है सीएम फ्लाइंग की जो अधिकारी हैं वो सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जो तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, वो भी मौके पर उनको बुला लिया गया, सामने बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं जो ताले जो है गेटों पर लटके हुए नजर आ रहे हैं। सर कहाँ की टीम पहुंची थी और क्या पर कुछ पटवारी ड्यूटी पर नहीं मिले हैं, पूरा मामला क्या है, कहाँ गए? आज सुबह सुबह सीएम फ्लाइंग ज्वाइंट टीम सोनीपत डिस्ट्रिक्ट एंड करनाल डिस्ट्रिक्ट की टीम ने यहाँ रेड की है, जिसमें कि वो पटवारियों के ऑफिस रिकॉर्ड की जांच करने के लिए और उनकी हाजिरी चेक करने के लिए आए हैं। वो सीएम ऑफिस में कंप्लेन मिली है कि पटवारी ज़्यादातर ऑफिस में नहीं बैठते, इस बारे उन्होंने रेड किया। मौके पर
जहां पे इन्होंने खासा स्कूल के पास जो पटवार खाना है सरकारी, यहां पे रेड किया। मौके पर छह पटवारी गैर हाजिर मिले हैं, तीन पटवारी मौके पर हाजिर बैठे हैं ऑफिस में, और बाकी छह का जिनसे संपर्क हुआ है उन्होंने बताया कि उस फील्ड में गिरदावरी के लिए, खरीफ की फसल की गिरदावरी के लिए खेतों में गए हुए, जो खराबी जो बारिश हुई है उसकी खराबी के लिए वहां पर गए हैं। क्या सर उस रजिस्टर में मेंटेन है ये चीजें? ये चीजें हमारे पास है, पटवारियों का रोज नामचा हरकत ही होता है जो कि उन्होंने मेंटेन करना होता है, जिसमें कि उनको लिखना होता है, वो अभी जांच का विषय है कि उन्होंने रजिस्टर में वो लिख के गए हैं, मेंशन गए करके गए नहीं करके गए, उस बारे सीएम फ्लाइंग के ऑफिशियल हैं वो अभी जांच पड़ताल में जुटे। काम की शिकायत मिल रही थी, काम समय पर नहीं होता है, तो क्या इसी को लेकर पूरा ये? हाँ, इसी को लेके यहाँ के हल्का पटवारियों की कंप्लेंट हुई थी और उसी बारे यहाँ आज रेड। सर जैसे आप बता रहे हो छह यहाँ पे मौजूद थे, कुछ फील्ड तीन मौजूद थे, छह में से कुछ फील्ड में थे, लेकिन जो नहीं मिले, जहाँ रिकॉर्ड में भी नहीं मिले और यहाँ भी नहीं मिले हैं, उनका कितने? उनको अभी बुलाया है और बुला के उनका स्पष्टीकरण निकालू, वो छह हैं जो रिकॉर्ड में कहीं नहीं मिले। हाँ, जो अभी नहीं मिले हैं और जैसे वो आ जाएंगे तो उनसे बात करेंगे। और भी रिकॉर्ड चेक किए सर? हाँ, बाकी जमाबंदी है, इंतकाल रजिस्टर है, बाकी सेवाओं के लिए जो फीस वगैरह के रजिस्टर मेंटेन करते हैं पटवारी, उनकी तस्दीक कभी चल रही है, सीएम फ्लाइंग उनकी तस्दीक कर।